शिवराज सरकार के दो साल पूरे होने पर भोपाल में हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। माखनलाल विश्वविद्यालय में दिखाई जाएगी द कश्मीर फाइल्स, कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने कहा शैक्षणिक संस्थानों में नफरत फैलाने की कोशिश, कुलपति बोले मूवी में सच दिखाया गया तो दिक्कत क्यों। इंदौर में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आरोपियों के घर पर चलाया गया बुलडोजर। गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा दुनिया में बजेगा एमपी के गेहूं का डंका, एक्सपोर्टर्स होने वाले गेहूं पर नहीं लगेगा मंडी शुल्क। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के बकाया को लेकर केंद्र को घेरा, कहा प्रभावित गरीब मजदूरों का शीघ्र करें भुगतान। होली पर छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान, शराब का पैसा जनता के आएगा काम, हमारी शराब नीति देश में सबसे बेहतर। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, रविंद्र जडेजा संभालेंगे सीएसके की कमान, चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के नए परिसर में आज चौथे चित्र भारती फिल्म उत्सव 2022 का उद्घाटन होगा। आज से 27 मार्च तक चलने वाले 3 दिवसीय फिल्म उत्सव के शुभारंभ पर अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। फिल्म फेस्टिवल में देश के 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिसमें चुनी गई 120 फिल्म का फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मोत्सव में देश भर से प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता और कलाकार शामिल होंगे, जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश सर, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या खास है इस फिल्म फेस्टिवल में। सर, क्या कुछ खास है इस साल राजधानी भोपाल में होने जा रहा है और माखनलाल चतुर्वेदी इसको खुद होस्ट कर रहा है? जी, ये चतुर्थ फिल्म फेस्टिवल है। पहला फिल्म फेस्टिवल इंदौर में हुआ था, दूसरा दिल्ली में, तीसरा कर्णावती में और ये चौथा है। और इसमें एक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जिसका उद्घाटन आज शाम को 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे और उसके साथ ही वो हमारे विश्वविद्यालय के जो सभागार है, गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और यहाँ एक फिल्म अध्ययन विभाग हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा फिल्म का केंद्र बन के उभर रहा है और यहाँ मानव संसाधन की बहुत आवश्यकता है। इस उद्देश्य से हम एक फिल्म अध्ययन विभाग शुरू कर रहे हैं, इसका भी विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। और उसके बाद जो है कल से लेकर औपचारिक रूप से फिल्मोत्सव शुरू होगा और इसमें अक्षय कुमार जी रहेंगे, विवेक अग्निहोत्री जी रहेंगे, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी रहेंगे और इन सब के उषा ठाकुर जी रहेंगी जो संस्कृति मंत्री हैं हमारी, और आयोजन समिति के अध्यक्ष और बाकी लोग रहेंगे। 26 तारीख को 25 से लेकर ही मास्टर क्लासेस शुरू होंगे। विवेक अग्निहोत्री जी का मास्टर क्लास होगा, टीएस नागभरनम जी का होगा, अभिनव कश्यप जी का ओपन फोरम होगा। इस तरीके से देश के विख्यात निर्माता निदेशक, इन लोगों का ओपन फोरम और सत्र रहेगा और 27 को इसका समापन समारोह है। 3 दिन तक लगातार फिल्म जो फेस्टिवल जो होना है वो लगातार चलेगा और जो फिल्म लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो वो आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृताशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल।
तो वहीं माखनलाल यूनिवर्सिटी में फिल्म दिखाने को लेकर विवाद भी छिड़ गया है। द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन को लेकर विवाद हुआ। यूनिवर्सिटी के चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रदर्शन होगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध जताया है इसको लेकर। शैक्षणिक संस्थानों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बता दें आरिफ मसूद का बयान भी सामने आया है, राज्यपाल यूनिवर्सिटी में फिल्म के प्रदर्शन को रुकवाएं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुलपति ने फिल्म दिखाने को सही ठहराया है और सच दिखाने में दिक्कत क्या है। कुलपति केजी सुरेश का बयान भी इसको लेकर सामने आया। माखनलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की अलग अलग राय इसमें देखी जाएगी। किसी ने फिल्म के प्रदर्शन को सही तो किसी ने गलत ठहराया है। कुलपति ने फिल्म दिखाने को सही ठहराया है। बता दें इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। तो वहीं कुलपति केजी सुरेश ने सच दिखाने में दिक्कत क्या है उनका बयान भी सामने आया है। माखनलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की अलग अलग राय इस फिल्म को लेकर भी होगी। किसी ने फिल्म के प्रदर्शन को सही तो किसी ने गलत ठहराया। अभी ज्ञात हुआ है कि माखनलाल शिक्षण संस्था के अंदर भी कश्मीर फिल्म दिखाई जा रही है और अब शिक्षा संस्था को भी नहीं छोड़ा जा रहा। देश में तो नफरत पैमाने पे पहुंचाने का काम टाकीज़ों में टैक्स फ्री करके कर दिया, अब शिक्षण संस्थाओं को भी नहीं छोड़ रही ये सरकारें। समझ नहीं पा रहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई की पिक्चरें कभी टैक्स फ्री नहीं की गई इनके रहते हुए, कभी ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा नहीं दिया गया जो एक दूसरे से मोहब्बत बांटती हूँ। एक झूठी और काल्पनिक घटना की पिक्चर को इतना बढ़ावा देना, मैं जनता से भी दरख्वास्त करूंगा और माननीय राज्यपाल महोदय से और चीफ सेक्रेटरी महोदय से दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके शिक्षण संस्थाओं में ऐसी पिक्चरें दिखाने से रोका जाए। अब आप देखते हैं ना, कई चैनल भी ये बोलते हैं क्योंकि हम सच दिखाते हैं, तो अगर एक फिल्म ने सच दिखा दिया तो क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से तो जैसे टेलीविजन चैनल सच दिखाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों को क्या देखिए, लोकतंत्र में सबका हक है और जब निदेशक आके बात करेंगे तो विद्यार्थी सवाल पूछ सकते हैं उनसे, मास्टर क्लास में रहेंगे वो सभी पक्षों को, देखिए सभी पक्ष को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो दूसरे पक्ष पर कोई और बना सकता है, किसी ने रोका नहीं है यहाँ। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की मूवी दिखाई जानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है और अगर इस तरीके की मूवीज को अगर दबाया जाएगा तो जो यूथ है उसको जो चीज़ें हुई हैं उससे हम कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। तो जब हम और इन्वेजन्स को हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है और इतिहास को हमने जब पढ़ा है तो ये एक इतिहास है, तो हम इससे क्यों अनछुए रहे। देखिए मैंने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है और सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उसमें सच्चाई को दिखाई गई। बात रही नफरत फैलाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डायरेक्टर मेरे हिसाब से वो 100% ऑनेस्ट होकर के कोई फिल्म नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर है कि सच्चाई दिखाई गई है कश्मीरी पंडितों की, लेकिन इसके माध्यम से एक मुझे लगता है कि एक एजेंडा जो है उनका वो भी सामने पता चलता है कि हाँ जिनसी अगर वो राइट विंग के तो लेफ्ट विंग की चीज़ों को वो थोड़े दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से हम देख रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब वो सियासी बवाल कहें या आम जनता के बीच बवाल कहें, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी छात्रों को फिल्म दिखाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। जी बिल्कुल, द कश्मीर फाइल्स की खास स्क्रीनिंग जो चित्र भारती फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है उसमें करवाई जाएगी और जैसे ही ये मालूम चला, ये जैसे ही पूरा स्केड्यूल में आया इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। जो आरिफ मसूद हैं उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि ये मूवी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि ये जो मूवी है वो बच्चों में, छात्रों में नफरत फैलाती है। कहीं ना कहीं उनकी बात शायद सही भी हो सकती है, उनकी गलत भी हो सकती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम मूवी करती है। और उनका कहना है कि ऐसी मूवी को टैक्स फ्री किया गया है जो कि झूठ पर बनी हुई है। आरिफ मसूद के बयान ने उन्होंने राज्यपाल से रिक्वेस्ट भी की है कि जल्द से जल्द इस जो मूवी दिखाई जाने वाली है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन वहीं जो विवेक रंजन अग्निहोत्री है आज वो खुद भोपाल आ रहे हैं इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए, वो मास्टर क्लास भी लेने वाले हैं और स्क्रीनिंग के वक्त, स्क्रीनिंग के दौरान वो फेस्टिवल में वो मूवी के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं जो
कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी के, उनका यही कहना है कि सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं और अगर किसी को दूसरे पक्ष के लिए मूवी बनाना हो तो वो बिल्कुल बना सकता है। लोकतंत्र में सबको हक है विरोध करने का, लोकतंत्र में सबको हक है सब कुछ करने का। वहीं स्टूडेंट्स की भी इस पर अलग अलग राय है, सबकी अलग इस पर राय निकल के सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मूवी है वो सही में झूठ पर आधारित है, पूरा झूठ नहीं है, पूरा सच नहीं है, सब हर डायरेक्टर अलग अलग सच झूठ पर मूवी बनाता है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो मूवी है ये हिस्ट्री दिखाती है। तो सबकी अलग अलग राय है। तो वहाँ पर एक तरफ विरोध चल रहा है विधायक आरिक मसूद का, एक तरफ जो कुलपति हैं उनका ये कहना है कि मूवी दिखानी चाहिए क्योंकि ये सच दिखाती है, लोकतंत्र में सबको हक है अपना बात रखने का। लेकिन स्टूडेंट्स का एक और कहना है कि एक कह रहा है कि ये मूवी अपनी हिस्ट्री से अवगत करवाती है, तो दूसरा कह रहा है कि सबकी अलग अलग धारणाएँ होती हैं। तो लगातार इस मूवी को लेकर बवाल बना हुआ है। लेकिन जो विधायक आरिक मसूद है उनका कहना है कि मूवी को जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। लेकिन चित्र भारती फेस्टिवल जो कि एक फिल्म फेस्टिवल है, तो ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म फेस्टिवल में अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री स्पेशल क्लास ले रहे हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अभी मूवी, इतने बवाल जो हो रहे हैं मूवी को लेकर और जो मूवी है जो इतने पैसा कमा भी रही है उसकी कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग होगी ही, तो उसी को लेकर लगातार बवाल मच रहा है। लेकिन सबकी इस पर अलग अलग धारणा है, तो फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि जब मूवी की स्क्रीनिंग होगी तो उसके बाद स्टूडेंट्स का इस चीज़ पर क्या रिएक्शन होगा, वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, आज शिरकत करेंगे, साथ ही वो सुबह 10:30 बजे विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ पौधारोपण भी करेंगे। तो ये देखना होगा कि जहाँ पर सीएम शिवराज भी इसमें शामिल होने वाले हैं, एक तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, स्टूडेंट्स की भी अलग अलग राय है, कुलपति की अलग राय है, तो अब ये देखना होगा कि आगे जब अभी भी बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी की चिंतन बैठक कल से शुरू होगी, पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी मंत्रिमंडल की बैठक। 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी बैठक। आज बस से मंत्रिमंडल के साथ पचमढ़ी रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर इसमें चर्चा होगी, अगले 1.5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मेरे सहयोगी अमितांशी जोशी मेरे साथ भोपाल से लगातार जुड़ी हुई। अमितांशी, चिंतन शिविर होगा बीजेपी में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण है यह बैठक? जी, जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बजट सत्र खत्म होने के बाद, ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि बजट सत्र के बाद जो चिंतन बैठक होगी वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज होगी। इससे पहले कान्हा उद्यान में ये बैठक का आयोजन होने जा रहा था, लेकिन स्थल को बदलकर फिर पचमढ़ी में ये बैठक होगी। मैं आपको बता दूं कि 26 और 27 मार्च यानी कल और परसों ये बैठक का आयोजन होने वाला है। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में सभी मंत्रिमंडल, सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल होने वाले हैं और अगले 1.5 साल का रोड मैप इस पर तैयार किया जाना है। मैं आपको बता दूं कि आज शाम को मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ बस से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे और इस बीच वो कहीं ढाबे पर रुकेंगे, स्वल्पाहार करेंगे, नाश्ता करेंगे और पूरे पिकनिक की तरह उन लोगों के साथ जाया जाएगा और ये बैठक का आयोजन होगा। अगले 2 दिन बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि अगले 2 दिन में ये मंथन होगा कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश किस तरीके से चलेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो कवायद है वो पहले ही मुख्यमंत्री बजट में बता चुके हैं, इस पर खास डिस्कशन होगा इस बैठक में और कई विशेष सत्र होंगे, कई चीज़ों पर मंथन होगा जिसमें सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे, पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। तो ये देखने वाली बात होगी, बीजेपी की जो चिंतन बैठक है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले समय में, क्योंकि अगले 1.5 साल बाद चुनाव का समय है, तो जितना समय बचा हुआ है बीजेपी उसमें कितनी तेज़ी से तैयारियां करेगी, क्या आगे आने वाले समय में खास चीज़ें होंगी, कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में बजट आया है और बजट में सभी को अलग अलग जो बजट है वो अलॉट किया गया है और उसी को लेकर के बजट किस तरीके से खर्च होगा, बजट पर किस तरीके से अमल किया जाएगा, इसको लेकर खास सत्र होंगे, इसको लेकर खास बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत जरूरी नजर आ रही है। 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में बैठक आयोजित की जाएगी और आज बस से सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी हमारे तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर 55 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली युगल पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी विगत दिनों इस मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश जारी कर चुका है। जबलपुर निवासी छात्रा अशीता दुबे और अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी पक्ष रखेंगे। जबलपुर में ओबीसी 27% आरक्षण पर सुनवाई कल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। शुक्रवार से बता दें, शुक्रवार को 55 याचिकाओं पर एक साथ इन दोनों मामलों पर सुनवाई होगी। 55 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। बता दें 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 साल पूरे होने पर भोपाल के रविंद्र भवन में भव्य कार्यक्रम हुआ। भोपाल जिले के कार्यकर्ताओं ने शिवराज को गद्दा भेंट कर 2 साल पर बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि उछल कर फेंक देंगे, पता तक नहीं चलेगा। कांग्रेस पर शिवराज ने सवाल उठाते हुए कहा कि डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण था, हमारी सरकार मिशन की सरकार थी, उनकी सरकार कमीशन की सरकार थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हमेशा कुशाभाऊ ठाकरे जी का आशीर्वाद मिला, बुलडोजर पहले से था लेकिन चर्चा में अभी आया है। डाकू गांव में घुसकर गोली मार देते थे, सरकार बनने के बाद डकैतों को ठोकना शुरू किया। ना तुमने तो 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया था, हमने वो कर्जा देना फिर शुरू कर दिया। मैं हैरत में रह गया। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ की सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही जमा नहीं किया था। आते ही कोविड काल में हमने वो प्रीमियम जमा किया। गेहूं एक्सपोर्ट करें, आप निर्यात करें दुनिया के देशों को, उस पर मंडी टैक्स ना लें। तो आज हमने ये भी फैसला कर दिया कि जो दुनिया के बाहर के देशों में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा, हमारा गेहूं जाएगा। देखिए, अपनी दृष्टि विकास की और जनता के कल्याण की दृष्टि। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट कर सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नियाज खान को शिवराज सरकार ने नोटिस जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नियाज खान से 7 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल आईएएस नियाज खान पीडब्ल्यूडी में डिप्टी सिक्योरिटी के पद पर पदस्थ हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह गोधरा कांड पर भी फिल्म बनाने की उन्होंने मांग की थी। एक तरह से आईएएस नियाज खान और विवेक रंजन अग्निहोत्री के बीच में ट्विटर वॉर भी देखने को मिली थी, लेकिन अब आईएएस नियाज खान से 7 दिन के अंदर जवाब तलब करने की मांग की गई है। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का ट्वीट सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सज्जन आप दुर्जन कब बन बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि मर्यादा ही लांघ बैठे। वर्मा ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा था। रामेश्वर शर्मा का ट्वीट भी सामने आया, सज्जन आप दुर्जन कब बन बैठे, मर्यादा ही लांघ बैठे। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के लिए ऐसी भी क्या जल्दी की महाभारत की ठान बैठे। उन्होंने ये भी कहा और एक तरह से इस पर वार पलटवार की स्थिति भी देखने को मिल गई है। राज्य सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट के ऐलान का किसान संघों ने समर्थन किया है। किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा कि है कि किसान संघ लंबे समय से गेहूं के एक्सपोर्ट की मांग कर रहे थे और अब सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ होगा। चने का आयात होता है, प्याज का आयात होता है, आलू का आयात होता है, उससे हमारी यहाँ स्थिति गिरावट आती है काफ़ी हमारी फसलों की। पर अगर सरकार गेहूं के निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है और निर्यात करेगी तो निश्चित तौर से मार्केट उठेगा।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी पर खुलकर बोला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की जरूरत बताई है। उमा भारती ने कहा कि उनके द्वारा शराब दुकान पर उठाया गया पत्थर एक चेतावनी थी, ये शुरुआत है और अगर जनप्रतिनिधियों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने टीकमगढ़ निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि जनप्रतिनिधि कृपया अपनी जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो शराब का विरोध बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगा। ये पत्थर एक चेतावनी है। लाइन ऑर्डर बनाने वाला कोई व्यक्ति अगर हाथ में पत्थर उठा ले तो ये एक सिग्नल है, पहला और आखिरी नहीं, वो पहला है और अगर उसको आखिरी जो उठाया गया है ये प्रतीक है, पहला है आखिरी नहीं। कृपया अपनी जिम्मेवारी निभाएं, नहीं तो शराब का विरोध बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगा। ये पत्थर एक चेतावनी है कि एक व्यक्ति जिसने कभी एक लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी खुद बनाई हो, मैंने बनाई है ना, जब मैं सीएम थी और केंद्र में मंत्री थी तो मैं भी प्रस्ताव में वोट डालती थी ना, कोई नीति बनती थी, तो वो व्यक्ति पत्थर उठा लिया है हाथ में, वो एक सिंबल है, वो पहला है आखिरी नहीं है। खबर छतरपुर से है जहां एक पुलिस आरक्षक का शराब के नशे में सड़क पर उत्पात मचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरक्षक शराब का आदी है और दो दिन पहले ही निलंबन के बाद बहाल हुआ था। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। एक पुलिस वाला शराब के नशे में सड़क पर उत्पात मचाता हुआ नजर आया और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल होते दिखाई दे रही है। खबर सागर से है जहां तहसील परिसर में महिला का हंगामा देखने को मिला। जमीन विवाद की शिकायत करने आई थी महिला, बताते तहसील परिसर में जमीन पर महिला लेट गई और दुपट्टे से फांसी लगाने की महिला ने कोशिश भी की। तहसील परिसर में महिला का हंगामा देखने को मिला है। बताते जमीन विवाद की शिकायत महिला करने आई थी और महिला ने दुपट्टे से फांसी लगाने की कोशिश भी की। देखिए कि किस तरह से महिला जमीन पर लेट मार रही है। देखिए कि किस तरह से महिला दुपट्टे से फांसी लगाने की कोशिश भी कर रही है। जमीन विवाद को लेकर महिला ने हंगामा वहां शुरू कर दिया था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। आंध्र प्रदेश से यूपी के आगरा ट्रक में गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने केले के नीचे बोरियों में गांजे को छिपा रखा था। पुलिस ने तीन आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। तस्करों से 9 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है और गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। एक करोड़ रुपए का 9 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। तीन तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि मास्टरमाइंड की अभी भी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश से आगरा ये ले जाया जा रहा था और केलों के नीचे बोरियों में भरकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। इंदौर नगर निगम के रिमूवल कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पोकलेन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, साथ ही एक निगम का कर्मचारी भी घायल हो गया। घायलों को आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे के दौरान नगर निगम की भवन अधिकारी मौके पर मौजूद थे। उधर हादसे की सूचना मिलते ही एडिशनल कमिश्नर मौके पर पहुंचे। नगर निगम की टीम स्कीम 140 के पास बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही थी, तभी ये पूरा हादसा हो गया। जबलपुर में महिला और वकीलों के
गैंग के महिला सदस्य हनी ट्रैप के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग में जुटी है। फिर युवक से शारीरिक संबंध बनाकर रेप का आरोप लगाकर ब्लैकमेल करती है। गैंग अब तक कई युवकों को अपने जाल में फंसा चुकी है। पुलिस के लिए गैंग सरदर्द बन गया है। मामले को लेकर कई शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं। हाल ही में गिरोह ने युवक को प्यार के जाल में फंसाकर संबंध बनाया, वहीं बाद में ब्लैकमेल कर 15 लाख की डिमांड की और मामले को लेकर गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल सिंधी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि ये प्रतिवेदित किया गया था कि जिनकी तरफ से FIR थाना गोरखपुर में हुई है, उन कंप्लेनेंट के द्वारा पहले भी शायद 3 से 4 FIR इसी धारा में पंजीबद्ध कराई गई है और एक विस्तृत उन्होंने एक शिकायत प्रतिवेदन दिया था, जिसकी जांच थाना प्रभारी महिला थाना और उस केस की विवेचना भी थाना प्रभारी महिला थाना कर रही हैं और जो भी उसमें उन्होंने तथ्य उसमें उल्लेखित किए हैं उसकी सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी और जो सही कार्रवाई है वही होगी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।